आप सबको स्वागत है। आज हम 28 मई के शिरोवेदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि अगर है तो आपको दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। आप इन पांच कर्मेंद्रियों के अलावा भी आप बहुत सारी चीजों को आप भाप पाएंगे, बहुत सारी चीजों को आप विश्लेषण कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों के आप गहराई में जा पाएंगे और अपने जीवन काल में सही निर्णय बना पाएंगे। तो देखें, परमात्मा इसी वरदान के बारे में और विस्तार में कहते हैं, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा, बल्कि हर चीज में आपको प्राप्ति हो रही है, हर चीज में आपको सक्सेस मिल रहा है। तो जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन उस समय बुद्धि बिल्कुल दिव्य हो, डिवाइन हो, बुराई में भी अच्छा ही देखना, तब जाकर के हमें अंधकार में प्रकाश दिखेगा, जिसको हम कहते हैं कि हर सिचुएशन में कोई ना कोई सोल्यूशन उसके अंदर ही समाया हुआ होता है। तो सिचुएशन में हमें बुराइयां दिखती हैं और सिचुएशन में कुछ अच्छाई भी दिखती है। बुराई में भी अच्छाई देखना, ये होगी दिव्य बुद्धि। तो परमात्मा कहते हैं सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। अगर यहाँ का जो चश्मा है वो अगर साफ है तो हमें बुराइयां नहीं दिखेंगी इंसान के अंदर, हम उनके अंदर अच्छाइयां दिखेंगे और उन अच्छाइयों के द्वारा हम सिद्धि या सक्सेस प्राप्त करेंगे। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, बिल्कुल कोई भी चीज होती है उसको छुपा देते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आज ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। उनको इतना निश्चय होता है कि अगर मैं फलाने देवी देवता के सामने या कि देवी माँ के सामने अगर मैं तपस्या करूं तो मेरे अंदर सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, या मेरे अंदर छठी इंद्रिय या सिक्स सेंस बढ़ जाएगी, या मैं दूरादेशी बन जाऊंगा, मैं औरों का भविष्य जान पाऊंगा। ये सारी सिद्धियां उनको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि दिव्य होनी शुरू होती है। लेकिन दिव्य बुद्धि के बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम औरों के अंदर बुराइयां देखते रहें, हम सिचुएशंस के बारे में कंप्लेन करते रहें, हम समाज के बारे में कंप्लेन करते रहें, गवर्नमेंट के बारे में कंप्लेन करते रहें, कहते रहें कि दुनिया बहुत गंदी है, खराब हो चुकी है, दुनिया में सब कुछ बेकार है, कुछ रहने का यहाँ पर मतलब नहीं है, ये अगर कहते रहें तो हमारी बुद्धि के अंदर दिव्यता नहीं, अपवित्रता होगी, जिसका असर हमें ही पड़ेगा। हमें सॉल्यूशंस नहीं, हमें सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देंगी। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम दिव्य बुद्धि को प्राप्त करें, और दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, स्व का परिचय, जो कि आपको आत्मिक परिचय के द्वारा ब्रह्म कुमारी इसमें सिखाया जाता है। हम भी आइए, इस विद्या को ग्रहण करिए। ओम शांति संसार।